के चंद्रशेखर रावण जी। सर सबसे पहले आपको जय भीम। जय। अच्छा सबसे पहला मेरा एक सवाल है, भीम आर्मी एक परिवर्तन का नाम है, इसकी परिभाषा क्या है भीम आर्मी की? भीम आर्मी, हाँ देखिए भीम आर्मी जो मिशन हम लोग चला रहे हैं जी, वो साहब काशीराम ने जो एक आइडियोलॉजी दी है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन उन्होंने खड़ा किया था, अब वो पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि बात बहुजन की होती है और बहुजनों पे काम नहीं होता है, बहुजन नहीं जुड़ पाया है, तो बहुजन को जोड़ने का जो काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक मानना है कि जब तक आप किसी को उसकी जो बेसिक चीजें जो उसको मिलने वाली है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है आप उसे नहीं बताओगे तो उसे पता ही नहीं क्यों क्या मिलने वाला है, क्या उसका अधिकार है, तो अधिकारों के प्रति हम लोग सचेत कर रहे हैं। और आप देखते हैं रोज कहीं ना कहीं जो है उत्पीड़न होता है, उत्पीड़न के रोज मामले होते हैं, लेकिन क्या है कि उत्पीड़न के मामले की अगर बात की जाए तो किस तरीके से एट्रोसिटी के जो मामले होते हैं बलात्कार के होते हैं, लूट के होते हैं, इसके अलावा नवजात बच्चों को मार दिया जाता है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से किस तरीके के ये सभी उसी में आते हैं जी। देखिए जिसमें भी शोषण होगा वो कोई भी मुद्दा हो, जिसमें भी अन्याय होगा वो कोई भी मुद्दा, तो ये सब मुद्दे जो है एट्रोसिटी में आते हैं, तो ऐसे मुद्दों पे न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि मैंने करीबी से महसूस किया जब मैं एक अधिवक्ता सोचता हूँ तो न्याय नहीं है, आप एप्लीकेशन लिखाने जाते हैं थाने में तो वहाँ भी पैसे मांगते हैं जी, और फिर अगर आप उनसे उम्मीद करते हैं न्याय मिलेगा तो वो थोड़े से पैसों में न्याय जो है आपके खिलाफ हो जाता है, आप रिपोर्ट करने गए आप ही को पकड़ के बिठा लेती है पुलिस। तो सर ये जो भीम आर्मी की जो परिभाषा, एक परिवर्तन की परिभाषा, यानी कि आप एक परिवर्तन करने के लिए इस देश के अंदर मैदान में आए काम करने के लिए? देखिए हम सब क्योंकि बहुजनों की बात करते हैं तो हम सब मिलके ये परिवर्तन करेंगे, कोई अकेला आदमी से नहीं कर सकता जी जी जी। और मैंने महसूस किया कि जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का हमें वो मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। जैसे आज हमारे पास कुछ ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के बड़े लोग आए थे जी जी, तो उन्होंने हमें समर्थन की वो की है और वो कह रहे हम अपनी तरफ से प्रेस रिलीज देंगे। और एक बहुत ओबीसी जाति के जो गुजर समाज के लोग हैं, सैनी समाज के लोग, उनका बड़ा समर्थन मिल रहा है, तो वो लोग कल भी आए थे मिलने और आज भी उनका डेलीगेशन आ रहा है मिलने के लिए, तो क्योंकि वो भी जागृत हो रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, उनको लगता है कि बहुजन मूवमेंट में उनका भला है। और सच्चाई तो यही है कि लोगों ने गुमराह किया थोड़ा सा अभी वो है, लेकिन अब भीम आर्मी आ गई तो ये गुमराहपन खत्म हो जाएगा।